नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। आपको आज मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स में कुछ प्रमुख की चर्चा मैं इस लेक्चर में कराऊंगा। मध्य प्रदेश बहुत सारे देश के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है। अगर भारत में आपको सर्वाधिक नेशनल पार्क्स कहीं दिखाई देंगे तो वो मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे। अब उसी की चर्चा करनी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, कैसे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगी, अगर उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखें तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के मानचित्रों में बहुत सारे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें हम प्रमुख प्रमुख की चर्चा तो करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि कान्हा किसली, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। हम बांधवगढ़ की चर्चा करेंगे, हम पन्ना की चर्चा, संजय, उसके बाद में आपके इधर माधव वन विहार, सतपुड़ा, बहुत सारे जो प्रमुख मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी चर्चा होगी। तो उससे पहले अगर आपने कंप्लीट चीजें पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है, तो अभी आपके लिए ये एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। मात्र 499 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको मेरा रेफरल कोड अर्जुन लाइव लगाना होगा। ये ऑफर आज तो वैलिड है, कल की गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अभी जब भी आप इसको लेंगे आज की तारीख में, तो ये 499 में इस कोड के साथ मिल जाएगा। फिर इसके प्राइस हम हाइक कर सकते हैं, तो आप इसको जरूर एनरोल कर लें। मेंस पढ़ने वाले बच्चों, उनके लिए पेपर फोर पार्ट ए दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान लोक प्रशासन, इसका कोर्स चल रहा है, जो मात्र 399 में अभी अवेलेबल है। अभी तक का इसका यही प्राइस है। आगे एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है ऐप पर, जो 99 रुपीज में ओनली है। हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की ओर, और पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली। कान्हा किसली कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो यह हमें मिलेगा मंडला के साथ में बालाघाट। कहाँ पर? प्रमुख रूप से मंडला के अंतर्गत, मंडला के साथ में बालाघाट, जो 1955 में सबसे पुराना मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, जो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और यही इसको सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है मध्य प्रदेश का। कान्हा के प्रस्पेक्टिव में देखें तो 1933 में यह अभयवन या सफारी के रूप में डेवलप था, 52 में अभयारण्य बना, 55 में राष्ट्रीय उद्यान बना, और उसके बाद 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट कैलाश सांखला जी भारत लेकर आए, तो 74 एक्चुअली कान्हा शामिल 74 में हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 73 आया, तो उसको 73-74 कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 74 है तो आप उसके साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो जब टाइगर प्रोजेक्ट आया तो उसमें 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, उसमें हमारे मध्य प्रदेश का कान्हा भी शामिल था। कान्हा की और जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें एक पूछा गया प्रश्न है कि हालो और बंजर घाटी कहाँ पर है। तो ये दो नदी घाटियां हैं जो कान्हा नेशनल पार्क में मिलती है, और दोनों पृथक जिलों में। जहां बंजर हमें बालाघाट में दिखाई देगी, वहीं हालो हमें कान्हा के अंतर्गत, मंडला के अंतर्गत दिखाई देगी। तो ये दो नदी घाटियां याद रखेंगे, हालो और बंजर की घाटी कहां पर स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कान्हा में आपको सर्वाधिक मात्रा में बाघ, जो टाइगर देखने के लिए मिल जाएंगे, चीतल, बारहसिंघा। ये बारहसिंघा तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। बारहसिंघा क्या मध्य प्रदेश का आप जानते हैं कि राजकीय पशु है? मैंने बताया था कि 1981 ये जो जनगणना थी मध्य प्रदेश की, कौन सी जनगणना थी? 25वीं जनगणना। इस 25वीं जनगणना में हमने पशु, पक्षी और आपका वृक्ष, तीन चीजें घोषित की थी। क्या क्या घोषित किया था? पशु, पक्षी और वृक्ष, जो मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष जिसकी हम बात करते हैं, पक्षी और पशु। उसी पशु में हमारे पास बारहसिंघा, और बारहसिंघा कौन सा? ब्रेडरी जाति का, जो कि कान्हा किसली में पाया जाता है, तो उसकी चर्चा है। फिर देश का, हमारे मध्य प्रदेश का पहला, और देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसने 2017-18 में अपना शुभंकर जारी किया था, जिसका नाम था भूरसिंह द बारहसिंघा। अब ये शुभंकर को डिजाइन करने वाले जो व्यक्तित्व है, इनको भी याद रखेंगे, रोहन चक्रवर्ती इनका नाम है। क्या नाम है? रोहन चक्रवर्ती। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो हवाई पट्टी, जो मध्य प्रदेश में पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहां पर हवाई पट्टी देखने के लिए मिलती है, दूसरा इसके बाद में बांधवगढ़ था। इसमें जो प्रमुख है, वन्य जीव प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है,
गोंड और बैगा जनजातियों का क्षेत्र रहा है। इसमें मुख्य रूप से इस क्षेत्र में हम जानते हैं, मैंने ट्राइब्स में पढ़ाया, बैगा जनजाति पाई जाती है और उन्हीं महिलाओं को, बैगा महिलाओं को प्रशिक्षण का कर जो है वहां पर गाइड के रूप में रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि जंगल उनका घर है और इसी क्षेत्र में साल के घने वन पाए जाते हैं, जिस साल में बूढ़ा देव निवास करते हैं, जो बैगा जनजाति के प्रिय देवता है, और बैगा महिलाओं को गाइड के रूप में कान्हा नेशनल पार्क में वहां पर जॉब दिया जा रहा है और कार्य दिया जा रहा है, क्योंकि जंगल आदिवासियों का घर है और वो उससे बहुत अच्छी तरह परिचित होते हैं और उसको अपनी धरोहर अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर रखते हैं। इसीलिए आज भी जंगलों का संरक्षण और मध्य प्रदेश चूंकि सबसे ज्यादा जनजाति वाला राज्य है, इसलिए सबसे ज्यादा जंगलों वाला राज्य भी है ना, क्योंकि इन्हीं जनजातियों की वजह से जंगल सुरक्षित है। आगे हम बढ़ते हैं तो बहमनी दरार, ये जो ये याद रखना सबसे ऊंचा पॉइंट है, कान्हा का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो बहमनी दरार, सनसेट, सनशाइन, जो व्यू पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ टूट के जो वृक्ष होते हैं उनको राजा रानी की संज्ञा दी गई है। एक आपको घोस्ट ट्री भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, गोंद से चिपक जाते हैं जानवर, तो ऐसा लगता है कि पेड़ ने उनको पकड़ लिया, इसलिए उसको घोस्ट ट्री नाम दे दिया, भूतहा पेड़ नाम दे दिया। फिर हम बढ़ते हैं आगे और इसके प्रस्पेक्टिव में मैं ये चीजें आपको बता चुका हूँ, हवाई पट्टी की, साल और सागौन की कई प्रजातियां मिलती हैं। दूसरे क्रम में बांधवगढ़ की बात करेंगे। बांधवगढ़ जो कि दो तीन प्रमुख पहलुओं के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक बाघ घनत्व 8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर प्रति बाघ देखने के लिए मिल जाता है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, शेषशाही तालाब के लिए जाना जाता है, चरण गंगा नदी के लिए जाना जाता है, उमरिया के प्रस्पेक्टिव में ये जाना जाता है। तो उमरिया में 1968 में इसको स्थापित किया गया। फिर हम देखें तो 1993 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का रणथंभौर। सर्वाधिक बाघ घनत्व है 8 किलोमीटर स्क्वायर पर प्रति बाघ, जो आपको जानकारी है आपको ये याद रखना है कि कितने पे, 8 वर्ग किलोमीटर पे एक बाघ मिल जाएगा। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ओशन आया हुआ है। चरण गंगा नदी जो शेषशाही तालाब, भगवान विष्णु की लेटी हुई भव्य प्रतिमा है जहां से चरण गंगा प्रवाहित होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से, ये इंपॉर्टेंट है शेषशाही तालाब। फिर हम देखें तो गौर पुनर्वास योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, हाथी महोत्सव यहाँ पर बनाया गया था और यहाँ का जो सबसे बुजुर्ग हाथी था उसका नाम गौतम और मादा जो है हथनी उसका नाम अनारकली था, अनारकली डिस्को चली वाली। बांधवगढ़ केव्स में कुछ केव्स आपको किले में केव्स मिलेंगी। ये जो केव्स आप इमेज में देख सकते हो, गुफाएं देख सकते हो, ये है लखवारिया की गुफाएं। लखवारिया की गुफाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी और हवाई पट्टी जैसे कि कान्हा में है दूसरा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर हवाई पट्टी बनाई गई। फिर हम आते हैं माधव। याद रखना माधव टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, बड़ा है लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइगर में होगा, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है। 1958 में इसको स्थापित किया गया, 1958 शिवपुरी में आता है, माधवराव सिंधिया के नाम पर है। फिर इसमें आगे देखें तो यहाँ पर एक जॉर्ज केसल भवन पूछा जाता है, शंकराचार्य सिंधिया की समाधि पूछी जाती है। शिकार क्षेत्र रहा है मुगलों का, सिंधियाओं का, और जॉर्ज केसल जो भवन बनाया गया था वो जॉर्ज पंचम के आने की संभावना के तहत बनाया गया था लेकिन वो पहुंचे नहीं। अब इसमें सर्वाधिक सड़कों की भी हम बात करें तो सड़कों वाला नेशनल पार्क कहते हैं, जो पुराना आगरा बॉम्बे NH3 था वो अब जो नया NH46 है, NH27 है, ये यहाँ से गुजरते हैं। मनिहार नदी गुजरती है, शंकराचार्य सिंधिया की जो समाधि मैंने आपको बताया, झील वो सांखे सागर जिसको जलाशय कहा जाता है वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। जॉर्ज केसल की हमने चर्चा की, मुगलों और सिंधियाओं के शिकार क्षेत्र के रूप में आप इसको याद रखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं सतपुड़ा की बात करेंगे। अब सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद या अभी का हमारा जो नर्मदापुरम है यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सतपुड़ा में जो नर्मदापुरम है इसकी बात हो रही है, स्थापना इसकी कब हुई, 1981 में हुई। क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सतपुड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इसको जोड़ दें पचमढ़ी के क्षेत्र के साथ, बुरी वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र के साथ तीनों, तो ये लगभग 1427 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र बनाता है और काफी बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जो तीन प्रमुख जैव आधारित क्षेत्र हैं उनमें ये भी शामिल है। यहाँ आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे।
जैसे हम देखें तो प्राचीन नाम मढ़ई राष्ट्रीय उद्यान, मढ़ई उत्सव मैंने गोंड जनजाति के विषय में आपको बताया था, उससे जुड़ा हुआ देनवा नदी, तवा देनवा नदी, तवा जो कि हमने चर्चा की थी कि नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, साल सागुन वृक्ष मिलेंगे, डेंड्रोकैलेमस ट्री जो नीलगिरी के पेड़ होते हैं वो आपको दिख जाएंगे, सतपुड़ा में कृष्ण मृगों की काफी अधिकता है, सर्वाधिक संख्या कृष्ण मृगों की देखने के लिए मिलती है, कई दुर्लभ प्रजाति जैसे कि जो उड़ने वाली गिलहरी की एक प्रजाति बताई जाती है वो यहाँ मिलती है, और 2000 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 1900-2000 के आसपास की बात है, और सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मध्य प्रदेश के जिस नेशनल पार्क में आपको मिलेगी वो यही है। पचमढ़ी इसके पास स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला जैव रिजर्व आधारित क्षेत्र है, जिसको कि 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो हमने अभी तक किस किस की चर्चा कर ली, हमने चर्चा की पचमढ़ी की, हमने चर्चा की बांधवगढ़ की, हमने चर्चा की कान्हा की, हमने चर्चा कर ली है अपने जस्ट अ मिनट सतपुड़ा की। इसके बाद मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। अब जिन चीजों में मुझे चर्चा करनी है आपसे उसको हम 2-3 एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे, रुकेंगे। चलिए अब मुझे आप बताएंगे कमेंट में लिख करके, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको समझाया, उसमें पहला प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। अब कान्हा नेशनल पार्क के क्षेत्रफल में हम चर्चा करें तो हमारे पास चार ऑप्शन हो जाते हैं, एक हमने यहां 940 लिख दिया, एक हमने 940 किलोमीटर है ये, एक हमने 940 किलोमीटर स्क्वायर लिखा, सी हमने लिखा 525 और डी कोई नहीं। तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर में, याद रखना कान्हा का जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है। फिर हम एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि पहले मैं यहां ऑप्शन लिख देता हूं, बांधवगढ़, माधव, सतपुड़ा या पन्ना। अब प्रश्न यह है कि 1968 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान बताना है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां बात कर रहा हूं बांधवगढ़ की। अब तीसरा जो प्रश्न है, यही अगर 96 की जगह क्या हो जाए, 1968 की जगह 1958 हो जाए, मान लो यहां हम 5 लिख देते हैं, तो यहां पूरा क्वेश्चन का अर्थ बदल जाएगा और हमारा उत्तर माधव होगा। ये कहां स्थित है, उमरिया में स्थित है, ये कहां स्थित है आपका शिवपुरी में स्थित है, और ये नर्मदापुरम। तो हमने इस सेशन में महत्वपूर्ण चार राष्ट्रीय उद्यानों की बात की, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में बाकी राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो जरूर लाइक कर लें, और जो लेक्चर की पीडीएफ है इसके लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, गुड लक।